नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ दिशा। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। सीएम फ्लाइंग की टीम लगातार यमुना नगर में दस्तक दे रही है। इसी कड़ी में सीएम फ्लाइंग ने यमुना नगर के जगाधरी में कृषि विभाग पर छापा मारा। इस बारे में सीएम फ्लाइंग के अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि उच्च अधिकारियों के निर्देश अनुसार कृषि विभाग जगाधरी का औचक निरीक्षण किया गया है, जिसमें अधिकारी, मुलाजिम और अन्य सभी कर्मचारी काम करते पाए गए। उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले खाद के सैंपल लिए गए थे, जिनको करनाल लैब में भेजा गया था, लेकिन वह इसलिए वापिस आ गए थे क्योंकि सैंपल सही तरीके से नहीं लिए गए थे। यमुना नगर से हमारे संवाददाता राजीव जोली की रिपोर्ट। दिनांक 19/7/24 को अफसराना बाला के आदेशानुसार कृषि विभाग जगाधरी का औपचारिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अब तक की जांच में सभी कर्मचारी मुलाजम फोर्थ क्लास काम करते हुए पाए गए। जो अब तक की जो जांच है उसमें पाया गया कि डीडीए द्वारा सैंपल लिए गए थे ग्रेवाल नाम के टेक्निकल खाद के, और वो किसी अन्य लैब में भेज दिए, जो वहां से तराज लग के वापस आ गए, जिसको फिर संबंधित जिसको भेजने चाहिए थे करनाल लैब में भेज दिया गया, और करनाल लैब से वो इसलिए वापस आ गए कि इसको सैंपल ठीक प्रकार से नहीं लिए गए। जो ये काम मिली भगत से हुआ है और ये जो है ना अब तक भी इसी कार्यालय में रखे हुए हैं। और खाद का सिस्टम क्या है? खाद जो है ना सर, जो टेक्निकल खाद है फैक्ट्रियों में वही सप्लाई होता है, लेकिन उसकी जगह यहाँ पर ज्यादातर काम यूरिया का काम सप्लाई होता है, जो यूरिया जो है ना किसानों के लिए बनाया गया है, लेकिन वो ज्यादातर फैक्ट्रियों में सप्लाई होता है। किस अधिकारी की मिलीभगत से? अब तक की तो नजर में नहीं आया, लेकिन जो पहले था उनकी उससे हो रहा था मिलीभगत। ये डीडीए साहब थे पहले यहाँ, उनके संबंधित ये मामला सुनने में आया है कि उनके उस मिलीभगत से हो रहा सारा काम। सर नाम जानना चाह रहे हैं? नाम तो मेरे को पूरा नाम नहीं। ये गोदारा जी किस डीलर को लाभ देने के लिए ऐसा कर रहे थे? ये स्वयं को लाभ देने के लिए, इससे तो कोई उसी और सरकार को तो लाभ होता नहीं। नहीं, खाद के डीलर कौन कौन सा? खाद के अभी हमारे को लिस्ट प्राप्त नहीं हुई, जो टेक्निकल खाद है वो था ग्रेवाल। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।